पिछले दिनों रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया, रिस्पॉन्स तगड़ा है। एडवांस बुकिंग खुलते ही टिकटें भयानक स्पीड से बिक रही हैं। आज हैदराबाद में फिल्म का एक प्री रिलीज इवेंट भी रखा गया। इसमें सुपरस्टार महेश बाबू और डायरेक्टर SS राजामौली ने हिस्सा लिया। इस बीच एनिमल के आर डायरेक्टर सुरेश सेल्वराजन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के ट्रेलर में एक सीक्वेंस है जिसमें एक बड़ी सी बंदूक से रणबीर का किरदार गोलियां बरसाता है। वो कोई VFX नहीं है बल्कि 4 महीने लगाकर वो मशीन गन बनाई गई है। सुरेश सेल्वराजन चिरंजीवी और रामचरण की फिल्म आचार्य में अपने काम की वजह से चर्चा में आए। अब वो एनिमल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में इस फिल्म में इस्तेमाल हुई विशालकाय बंदूक की बात की है। फिल्म में एक सीन है जिसमें रणबीर का कैरेक्टर अपने दुश्मनों पर धुआंधार गोलियां बरसा रहा है। ऐसे सीन्स आजकल बड़े ट्रेंड में हैं, मगर ये सीन पहली बार सिल्वेस्टर स्टलोन की रैम्बो फिल्म सीरीज में देखा गया था। अगर आप गूगल करेंगे रैम्बो मशीन गन सीन तो उस फ्रेंचाइज के दसियों ऐसे सीन्स आपके सामने आ जाएंगे। इंडिया में ऐसे सीन्स शुरू हुए टाइगर जिंदा है के बाद। लोकेश कनगराज की फिल्म कैथी और विक्रम में ऐसे धुआंधार फायरिंग वाले सीन हैं। पिछले दिनों KGF 2 में भी एक ऐसा ही सीक्वेंस रखा गया था और अब एनिमल। अधिकतर फिल्मों में VFX की मदद से ये सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, खासकर गोलियों और उससे निकलने वाले आग को एक्यूरेट तरीके से दिखाने के लिए। मगर एनिमल के आर डायरेक्टर सुरेश सेल्वराजन ने बताया कि इस फिल्म के लिए 500 किलो की वॉर मशीन गन असल में तैयार की गई थी। ये रियल स्टील से बनी गन है जिसे तैयार करने में 4 महीने का समय लगा। सुरेश का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी भारतीय फिल्म के लिए ऐसा होते नहीं देखा था। ये संदीप रेड्डी वांगा का विजन था। भले वो बंदूक असल हो मगर पब्लिक को उस सीन से शिकायत है। लोग कह रहे हैं कि अगर बंदूक बनाने में इतनी मेहनत और समय लगाया तो थोड़ा समय गोलियों को भी देना चाहिए था, क्योंकि सीक्वेंस में चलने वाली गोली असली नहीं लग रही। VFX का काम काफ़ी हल्का लग रहा है, जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, तभी वो इम्पैक्ट आएगा जो संदीप दर्शकों के ऊपर डालना चाहते हैं। खैर, ये खबर आप तक पहुंचाए जाने तक देश भर में एनिमल के 2,28,000 टिकट्स बिक चुके हैं। इसमें से 1,19,000 टिकट देश के top 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स में बिके हैं। रणबीर की ये फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग से अब तक 6,95,00,000 रुपए कमा चुकी है। एनिमल को लेकर जनता का शुरुआती रिस्पॉन्स देखने के बाद एक और खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एनिमल में ओपन क्लाइमेक्स हो सकता है ताकि इसका सीक्वल बनाने का स्कोप भी बचा रहे। एनिमल में रणबीर कपूर के साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदन्ना, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा और सुरेश ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।